ये चिम टपाक डुम डुम। आज बड़ा खतरनाक सपना देखा यार, पता है तूने? मैंने बहुत खतरनाक सपना देखा यार, क्या ही बताऊं। आज मैं सो रहा था, मैं सो गया था दोपहर को, मैं अक्सर सोता हूं थोड़ा सा, ठीक है। तो सो रहा था भाई साहब, सपने में मैं तेरी क्लास ले रहा था, ठीक है। सोच, सपने में क्लास चल रही थी। अब बिल्कुल ऐसी क्लास चल रही थी कि भाई साहब मतलब चैटिंग स्टॉप हो गई पहले तो, फिर वो ठीक किया, फिर उसके बाद चला तो टीवी स्टॉप हो गया, फिर उसको ठीक किया, फिर उसके बाद चला तो नेट चलना बंद हो गया, फिर उसको ठीक किया, उसको ठीक किया तो सामने के दोनों कंप्यूटर खराब हो गए, ठीक है ना। मैं खूब गुस्सा आ रहा हूँ, मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है। फिर उसके बाद स्पैमर भी आ गए एक साथ, ठीक है, सारी चीज एक साथ हो रही है। मैंने कहा यार आज की क्लास में हो क्या रहा है। फिर मैंने 5 मिनट पढ़ाया, फिर कोई चीज खराब हो गई। करते 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 करते, करते 1.5 घंटा निकल गया, और मैं फुल ऑफ, इतना ज्यादा मतलब गुस्सा, रिग्रेट। मैंने कहा यार आज की क्लास खराब हो गई यार, आज के 1.5 घंटे में कुछ भी नहीं करा पाया यार, 2 मिनट की चीज हुई है, ये है वो है फलाना ढिंकाना। मैं दरवाजा पटकते हुए निकल गया और निकल के जाके सो गया। और फिर जब मैं सो के उठा तो मैं रियलिटी में सो के उठ चुका था फिर मैं सच में सो के उठ गया था, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, ठीक है। और वो इमेज फिर भी दिमाग में बैठी हुई थी, ठीक है। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था हो क्या रहा है, ठीक है। मैंने घड़ी में देखा 6:15 हो रहे थे। अब 6:15 हो रहे, मुझे 6:15 का मतलब समझ में नहीं आ रहा था, भाई है क्या ये, ठीक है, ये इसका मतलब क्या सुबह हो गई है। अक्सर जो मेरा सोने वाला कमरा है वो अलग जो है खतरनाक तौर पे मैंने उसको बना रखा है, उसमें अंधेरा घुट्ट होता है, बिल्कुल अंधेरा उस कमरे में। दिन में भी होगी ना, बाहर कितनी धूप क्यों ना हो, उस कमरे के अंदर जो बिल्कुल अंधेरा रहता है। बढ़िया, मैंने उसमें पर्दे उर्दे लगवा रखे खूब सारे, ठीक है। अब उसे मुझे कुछ दिखे ना, मोबाइल में दिखे 6:15, घड़ी में दिखे 6:15, मैंने कहा सुबह हो ही लग रहा है, प्रयास की क्लास है भाई साहब 1.5 घंटे के बाद प्रयास की क्लास है। 8 बजे? नहीं, 8 बजे नहीं है, उसको तो 8:30 बजे बुलाया था। अच्छा, तो इसका मतलब मैं 2 घंटे और सो सकता हूँ, मेरे दिमाग में ये सब चल रहा था, पैरेलल दुनिया में 2 घंटे और सो लेता हूं मैं, ठीक है। और इत्तेफाक से जो मेरी काम वाली बाई है वो आके मेरे सामने वो लेके आ गई, वो जो चाय होती, चाय ला के रख दी, जो रोजाना ला के रखती है वो। तो मुझे पक्का कंफर्म हो गया कि भाई सुबह है, सुबह हो रही भाई साहब, वो सुबह 6-7 बजे रोजाना आती है साफ सफाई करने के लिए, और जो है फिर पक्का सुबह हो गई है। थोड़ी देर के बाद मैं देखता रहा देखता रहा, सुन एकदम, ठीक है, पता नहीं कौन सी दुनिया में था, समझने की कोशिश कर रहा हूँ क्या हुआ था। अच्छा, क्लास कैंसिल हुई थी, अरे यार टीवी खराब हो गया था, अरे यार बहुत बुरा हुआ, अच्छा गुस्सा भी किया था, अच्छा, अबे यार, अच्छा। उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर रियलाइज हुआ कि यार ऐसा कुछ है, हुआ नहीं है, ये कुछ अलग ही दुनिया नजर आ रही है, ठीक। फिर मैंने तुम्हारा ऐप खोल के देखा, मोबाइल है, मैंने कहा इसमें तो दिखा रहा मेरी क्लास है। फिर मैंने कॉल किया, अरे भाई 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 भाई, भाई क्लास को 6:30 में शिफ्ट करो, ठीक है, शाम हुई है सुबह नहीं हुई है। फिर उसके बाद में आया पैरेलल यूनिवर्स में चला गया था भाई मैं, बिल्कुल हाँ, कुछ है उस कमरे में भाई। सही कह रहा तू, हाँ फिर मुझे याद है, अच्छा आज सचिन सर की क्लास मुझे लेनी थी, 6:15 लेनी थी शाम को, है अरे आरओएच नहीं भाई, नहीं बिल्कुल नहीं, नेवर एवर, कभी नहीं आरओएच, कभी नहीं। वो पता नहीं तुमने डांस देख के, पता नहीं काफी बच्चों ने भी कहना शुरू कर दिया था, डांस नहीं वो जो हम मस्ती कर रहे थे, मैं सचिन सर और आरे बाबा, ठीक है, क्या देखो सर तो आरओएच, नहीं, बिल्कुल नहीं, नेवर एवर, कभी नहीं, कभी नहीं। हाँ, करा हाउस चेंज कर लो सर, हाउस चेंज नहीं करूंगा भाई, बिल्कुल नहीं, कर हाउस चेंज नहीं करूंगा ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना हो रही, मार गए हूं। हाँ ये सही है, चिम टपाक डुम डुम।